हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा। पूजा की किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा नाश्ता। दोस्तों, ये मैंने दो प्याज लिए बड़ी साइज की, इसे है ना हमें कट करना है। इस तरह से दोस्तों हमने प्याज को छील लिया है। अब इसे हमें कट करना है, बड़ी बड़ी स्लाइस काटती है जैसे हम सैलेड में काटते हैं। इस तरीके से काटती है हमें बड़ी बड़ी स्लाइस। तो हम मैंने कट कर लिया। अब इसे हमें इस तरीके से इसकी रिंग्स निकालनी है, इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसकी रिंग्स निकालनी है। इतनी मोटी निकालनी है रिंग्स। दोस्तों मैंने ये रिंग्स को अलग कर लिया है, देखो। और है ना, अब हम इसके बैटर की तैयारी करते हैं। दोस्तों मैंने ये बाउल लिया है, अब इसमें मैंने बेसन डालना है। ये मैंने 5 चम्मच लिए हैं, याले बेसन के चम्मच। अब इसमें मैंने ये 2 चम्मच चावल का आटा लिया है, इससे अच्छे से कुरकुरापन आएगा इसके अंदर। ये मैंने शिमला मिर्च लिए, ये मैंने चॉप कर लिया था। ये मैंने टमाटर लिया है 1 चम्मच, ये भी मैंने चॉप कर लिया था, बीच का भाग निकाल दिया इसका। ये मैंने 1 चम्मच प्याज लिया है, ये भी मैंने चॉप कर लिया था। और ये मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, ये भी चॉप कर लिया था मैंने। और ये मैंने 1 हरी मिर्च काटी है, ये भी चॉप कर ली, ये भी डाल ली है। अब इसमें 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट गिरना है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन गिरनी है, इसे हल्के से हाथों की मदद से इसे क्रश करना है। हमने बेसन गिराया है तो इसलिए हमें हींग की जरूरत बेसन थोड़ा जो हार्ड होता है इसलिए हमें हींग की जरूरत पड़ती है। ये 1/2 चम्मच हींग लिया मैंने। स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है, ये मैंने 1.5 चम्मच नमक ले रही छोटा। 2 चम्मच छोटे मैंने जीरा लिया है। हमने हरी मिर्च भी गेरी है तो हमें मिर्च अपने चटपटे के साथ गेरनी है। मैं 1/6 चम्मच गेर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हमें दोस्तों, अब इसका हमें घोल बनाना है अच्छे से, जैसे हम पकौड़ियों का घोल बनाते हैं इस तरह से हमें घोल बनाना है इसका। दोस्तों ये मेरा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसे हम बनाने चलते हैं। मैंने गैस पे तवा रख दिया है, इस पे हमें अब ऑयल गेरना है। आप देसी घी भी गेर सकते हैं, मक्खन भी गेर सकते हैं, मैं ऑयल गेर रही हूँ। इसे अच्छे से तवे पे फैलाना है। हमें अब इस पे एक एक करके रिंग्स गेरनी है। इस तरीके से हमें
सारी रिंग्स लगानी है इस पे। तरह जो हमारा अभी से हमें इस तरीके से इसमें डालना है रिंग्स में। सारी रिंग्स पे घेरना है हमें ऐसे ही। दोस्तों ये मेरे एक सेट से सीख चुके हैं, अभी से मैंने आराम से पलटना है इस तरीके से। इस तरीके से पलटना है इसे हमें। आंच जो है हमें बिल्कुल ही बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है, जिससे हमारे ये रिंग्स जले ना। इस तरीके से करना है हमें। दोस्तों हमारे ये बन के बिल्कुल तैयार हो गए। अभी से देखो कितने अच्छे तरीके से हुए। अभी से हमें गैस बंद करना है और उतारना है। दोस्तों देखो मेरे ये चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। बाय दोस्तों।